दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन गुना में होने जा रहा है, जिसको श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में आज शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर गुना के प्रबुद्ध जन, समाज सेवियों एवं सतपाल महाराज के अनुयायियों ने भाग लिया। सतपाल जी महाराज, जिनकी छवि आप गाड़ी के ऊपर देख रहे हैं, इनके साक्षात बैठे प्रश्न का लाभ सभी गुना राशि नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर केपी यादव का गुना में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अपने समय से काफी देर से चलने के बाद भी गुना शहर के नागरिकों एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी धन्यवाद यात्रा के दौरान डॉक्टर केपी यादव ने कैंट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरुआत की, जिसके बाद जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। वहीं लक्ष्मीगंज पहुंचने पर उन्होंने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद तो ज्ञापित किया है, साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को मंच पर से चेतावनी भी दे डाली कि यदि उन्होंने मनमाने रवैये से काम किया तो उनकी खैर रही। साथ ही उन्होंने कहा कि वे छोटे गांव से आए हैं और हर तरह के व्यक्ति को जानते हैं। उन्हें पता है कि अधिकारी किस तरह से बेवजह अपने पास आए लोगों को परेशान करते हैं। मंच पर से यह हिदायत भी दे डाली कि इस तरह की गुस्ताखी माफ करने योग्य नहीं होगी। उससे यह भी कहा कि गुना शिवपुरी और अशोकनगर का सांसद डॉक्टर के पी यादव नहीं, बल्कि गुना शिवपुरी और अशोकनगर की जनता है। मुझे इस चुनाव में वाकई चिन्ना भैया कहाँ गए, चिन्ना भैया जैसा एक बड़ा भाई मिला जिसने मुझसे ज्यादा मेरे इस चुनाव की चिंता की। एक एक व्यक्ति से मुझे मिलवाया, रात को 2 बजे 3 बजे कभी समय नहीं देखा, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। वाकई में मुझे इस गुना में इतने मित्र मिल गए हैं कि ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी से यही रह रहा हूँ। मैं अशोक नगर ही भूल गया, हर व्यक्ति से मैं ऐसे मिलने लगा और ऐसा लगता था कि नहीं, गुना में सब ठीक चल रहा है। मैं यहाँ कम समय दे पाया पर मेरे भाई लोगों ने बहुत समय दिया, सभी सीनियर लोगों का आशीर्वाद मिला, सभी का भरपूर आशीर्वाद मिला। वाकई